पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर लड़ी है, इसीलिए कोई हरी टोपी पहने, नीचा कुर्ता पहने या ऊंचा पहन रहे हो, एक बार नमाज पढ़े या अनेक बार, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भारत वर्ष में रहकर भारत माँ को डायन कहे ये बर्दाश्त नहीं होगा। सोमवार को वो सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। किसानों को बिजली कम से कम 12 घंटे मिलनी चाहिए ताकि किसानों की फसलों की आसानी से सिंचाई हो सके। मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह और डीआईजी शलभ माथुर के साथ बैठकर बात कर ली गई है। कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों अधिकारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि वक्त की संपत्ति अल्लाह की होती है, हम अभियान चलाकर वक्त संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराएंगे। इन स्थानों पर आईएएस पीसीएस अधिकारी बनने के लिए कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, वहां सबको आधुनिक शिक्षा मिलेगी। मदरसा शिक्षा में आयु का प्रतिबंध रहेगा। मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर कोई विरोध नहीं है। बेसिक शिक्षा के स्कूलों जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। मुरादाबाद नगर में स्वच्छता ठीक से हो, इसके निर्देश दिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव कहते थे जो नोएडा जाएगा वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन योगी जी एक नहीं कई बार नोएडा गए हैं, इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, संगठन से सरकार बनती है। भूपेंद्र सिंह से प्रदेश अध्यक्ष बनने से भाजपा का संगठन मजबूत होगा। 2024 में हम फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीत कर फिर से देश में सरकार बनाएंगे। मंत्री जी, आप 2 दिवसीय दौरे पर थे, क्या क्या देखा अब तक मुरादाबाद में आपने? मैं कोई बात नहीं बोल रही हूँ। चौपाल के माध्यम से गांव में नागरिक सुविधाएं मिलें, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, बिजली की व्यवस्था है, राशन वितरण प्रणाली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ऐसी मौलिक आवश्यकताओं को मेरे द्वारा देखने का काम किया गया। और जहां कोई कठिनाई प्रॉब्लम आई तो उसको हल करने के तत्काल निर्देश भी दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बप की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति होती है। इस संपत्ति को न बेचा जा सकता है, न किसी को दिया जा सकता है। इस पर अतिक्रमण है और इसी समाज के द्वारा है। हम एक अभियान चलाकर इसको कब्जा मुक्त कराने का काम करेंगे। फिर इस संपत्ति पर हम बच्चों के लिए कोचिंग आईएएस आईपीएस बनाने के लिए चलाएंगे, इनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम अस्पताल बनवाएंगे, इनको आईटी प्रशिक्षण देने के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, इनको युग के साथ चलने के लिए मॉडर्न शिक्षा देने का काम करेंगे, इन्हें कंप्यूटराइज भी करेंगे। तो इस तरीके से इनको कोचिंग भी ऐसे जगहों को, सार्वजनिक स्थानों को मुक्त करा के सार्वजनिक स्थान में ऐसे प्लेस को बदल नहीं करता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।